हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका माई ग्रीन होम संतोष पे। आज मैं आपको बताऊंगा जो घर पे गेंदे का माला वेस्ट पड़ा रहता है, आप लोग फेंक देते हैं, उससे आप कैसे पौधा नया तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। फ्रेंड, जो आपको मैं बताऊँगा जो घर पर वेस्ट माला आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है, आप उसी से नया पौधा जनरेट कर सकते हैं अपने घर के गार्डन में। फ्रेंड, जो आपको इसमें लेना है 50% मिट्टी लेना है, जो रहता है आपका गार्डन सॉइल रहता है वो लेना है। इसमें 40% कोकोपीट लेना है और 10% आपका ऑर्गेनिक खाद लेना है ताकि इसमें अच्छे तरह पौधा जो है ग्रो करना चाहिए। फ्रेंड, जो आपको गेंदे का सूखा हुआ माला रहेगा, सूखा हुआ आपको 24 घंटे सूखवा लेना है। और भी ये सूखा हुआ देखिए, 24 घंटे का सूखा हुआ माला है। आप जो इसको है ऊपर जो आपको ब्लैक ब्लैक जो बीज दिख रहा है ना, ये जो है बीज बन के उसमें जो है जड़ बन के पौधा निकलेगा। इसी में से आपको करीब थोड़ा ज़्यादा ही डालना है ताकि कोई पौधा कोई जो बीज बेकार भी हो जाए तब भी कोई ना कोई बीज तो उगना ही चाहिए। आप इस तरह लगाएंगे आपको लगभग 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। फिर मैं इसी तरह आपका बहुत समय पौधा इसी तरह लगाया हूँ। हल्का मिट्टी का लेयर डाल देना है, लगा देना है ताकि इसमें जो है पौधा उस जो है बीज है कहीं इधर उधर उधराया नहीं, ना भागे। आप फिर इसको फ्रेंड्स आपको नमी देना है, इसमें पानी डालना है ताकि इसमें नमी जो है रहना चाहिए। नमी तो रहना 100% रहना चाहिए, नमी रहेगा तभी तो पौधा जो है निकलेगा इसमें से। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप नमी देख सकते हैं, डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आपको फिर इसको क्या करना है, अगर कोई कवर होगा तो आपको कवर डालना है। मेरे पास कवर है प्लास्टिक का, मैं प्लास्टिक कवर उसको लगाऊंगा इसके ऊपर। आप किसी भी प्रकार का कवर डाल सकते हैं, जैसे आपको अगर आपको प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में इसको बांध कर रख दीजिए ताकि इसमें गर्मी रहे। अब फ्रेंड्स, जो इसमें गर्मी रहना है बहुत आवश्यक है, और गर्मी रहेगा तभी पौधा प्रजनन में जल्दी प्रजनन होगा। आपको लगभग जो 4 दिन में प्रजनन होना है आपको 2 ही दिन में देखने को मिलेगा। गर्मी से पौधा जो है जल्दी ग्रो करते हैं, और गर्मी इसमें एक फ़ायदा और है, प्लास्टिक लगाने का एक फ़ायदा और है ताकि पौधा जल्दी से ग्रो करेगा इसमें। और इसमें एक फ़ायदा और है कि इसमें पौधे में जो है मिट्टी में नमी रहेगा, आपको बार बार पानी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह आप लगा सकते हैं सब में। मैं पहले लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ आगे। फ्रेंड्स, आपके पास या रबड़ होगा या फिर कोई रस्सी भी होगा, बांध सकते हैं, रबड़ लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक को अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसी तरह रबर बैंड लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अगर पौधे लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। आप फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।